क्या आपके कान में दर्द रहता है या आपका कान बहता है या आपके कान में कोई जख्म हो रहा है और आप उसको ठीक करना चाहते हो दुआ और वजीफे के जरिए से, तो आज की ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को एक छोटा सा वजीफा बताऊंगा जिसके पढ़ने से आप अपने कान के दर्द को ठीक कर सकते हो। किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर मेरे साथ बने रही है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। कोई शख्स 1000 मरतबा या समीउ पढ़े और फिर इसको पढ़ने के बाद रोगी के कान में दम कर दे, रोगी के कान में फूंक मार दे, तो इंशाल्लाह फौरन दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर आपके कान का दर्द पुराना है और आप इसको जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आप इस अमल को 15 दिन तक लगातार करते रहना बिना छुट्टी के, इंशाल्लाह ये कान की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर आप इस अमल को एक दिन में एक बार करते हो सिर्फ दर्द के वक्त, तो आपका दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। तो आप इस दुआ को पढ़िए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स फायदा उठा सके।